देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। संगम नगरी प्रयागराज के नवाब यूसुफ रोड नगर निगम के पास अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपुआ की जिला सहयोगक कामरेड रूपा के नेतृत्व में महिलाओं ने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से शारीरिक दूरी बनाकर अनलॉक नियमों का पालन करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। RYA प्रदेश सचिव सुनील मौर्या प्रदीप ओबामा ने भागीदारी की। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते वक्ताओं ने कहा, कानपुर सरकारी होम शेल्टर में 57 लड़कियों के COVID-19 की जांच पॉजिटिव होने, 5 नाबालिग किशोरी गर्भवती होने से पता चलता है कि यहां लड़कियां अमान्य स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के ही कार्यकाल में देवरिया में हुए होम शेल्टर कांड पर जांच के दौरान ये तथ्य उभर कर सामने आए थे कि प्रदेश के सभी सरकारी संरक्षण गृहों की एक निश्चित समय अवधि पर मॉनिटरिंग की जाएगी, स्वस्थ पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन योगी सरकार ने इन सभी बातों को गौर करने और कोई त्वरित कार्य करने की बजाय इन्हें जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके वजह से कानपुर में होम शेल्टर में किशोरियों के साथ यौन उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं। नेताओं ने निम्न मांगों की तत्काल पूरी करने की मांग की है। कानपुर शेल्टर होम के उच्च स्तरीय स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए, जिससे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। महिला व बाल विकास मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। शेल्टर होम में बच्चियों और किशोरियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी की जाए। शेल्टर होम में स्वस्थ पत्र जारी किए जाए। निश्चित समय विधि में सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में होम शेल्टर की मॉनिटरिंग को सुनिश्चित किया जाए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरी यही मांग है कि मैं यही चाहती हूँ, जो छोटे छोटे बच्चियों के साथ दुर्घटना हो रहा है हमारे भारत देश में, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई रोकथाम नहीं है। हम इसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार हमारी क्या कर रही है। सरकार हाथ में हाथ रखे बैठी है। एक रोज एक नया कांड होता है, इस नए कांड में किसका हाथ है? सरकार का हाथ है या हम गरीबों की? सरकार का इसमें हाथ है। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हम तो चाहते थे कि सरकार आएगी तो हमारे बच्चों का सुरक्षित होगा, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं है। कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं तब भी छेड़खानी, हॉस्टल में है सरकारी सुरक्षित में उसमें हो के अंडर में तब भी उनके साथ बलात्कार हो रहा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, ये कहाँ की है? हम सरकार से पूछ रहे हैं ये कहाँ का है नियाव? सरकार हमें नियाव दें। हम नियाव मांग रहे हैं सरकार से कि ऐसे हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटे छोटे बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, हमारे साथ, हमारे जनता गरीब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी जी क्या कर रहे हैं बैठ के? नरेंद्र योगी जी और मोदी जी क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े नेता अभिनेता क्या कर रहे हैं बैठ के? सब सो गए हैं, आँख मूंद कर। इनकी आँख नहीं खुल रही है क्योंकि इनके माता बहनों के साथ ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए हम गरीब हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसे हो रहा है। हमारा कोई नहीं है, हम कहीं भी जाए हमारे कोई सुनवाई नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि मोदी सबसे बड़े खुद कोरोना बन के बैठे हुए हैं। मैं रूपा, मेरा नाम रूपा देवी है, मैं एफवा की तरफ से ये गौतम की तरफ से बोल रही हूँ। मैं मोदी के खिलाफ हूँ और जो क्या नाम करोना कह रहे हैं, करोना करोना ही करोना, कुछ नहीं है, फैसल है। और क्या नाम है, करोना कहाँ है? क्या नाम, बद्रीनाथ का कबाट खोल के सैकड़ों का भीड़ लगा के बैठे, क्या वहाँ करोना नहीं है? करोना हर जगह। जो बच्चों पर इतना अत्याचार है, चाहे वो बड़े हो या छोटे, हम कहीं पर सुरक्षित नहीं है। खुले हम सड़क पर नहीं चल सकते, कहीं भी जाते हैं हम लोगों के साथ कुछ होता है, कहीं पर हम लोगों को कोई सुनाई नहीं होती है। ये सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार सो गई है? क्या सरकार मर गई है? जो इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उसको अपने खुलक सत्ता मिला है, जगह जगह कहीं घूम रही है, उसके लिए कोरोना नहीं है। मंदिर मस्जिद बनवाने के लिए उसको कोरोना नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं सब पहुँच रहे हैं, उनके लिए कोई मतलब नहीं, कोरोना है कोई रोग नहीं। और जनता कहीं जा रही तो उनको दो हाथ की दूरी बना कर रखो, मास्क लगा कर रखो, ये कहाँ का न्याय है? उनके लिए क्यों नहीं बना है ये सब चीज? देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल।